हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सोनू स्पीकिंग फ्रॉम सक्सेस विंग क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस अफगानिस्तान तालिबान की न्यूज़ से मैंने पिक किए हैं, और ये सेंटेंसेस हमारे इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्पफुल होंगे। और देखेंगे हम कि क्या कंडीशन चल रही है, वहाँ लोग कैसे भाग रहे हैं, प्लेन्स के व्हील्स को चिपके हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए। इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे आई होप। मेरा पहला सेंटेंस है, वहाँ पे एक व्यक्ति है देहरादून का, उसने अपनी वहाँ का प्रेजेंट का सीन बताया, उसको रिवील्ड किया, उसको एक्सप्लेन्ड किया दून में आने के बाद। वो कहता है कि आई वॉज एट काबुल एयरपोर्ट, मैं काबुल एयरपोर्ट पर था, होने की क्रिया आई तो आपने पास के लिए आई के साथ में वाज लगाया, कोमा लगाकर उसके बाद में उसने कहा सा देखा, मैंने देखा, आई हमारा सब्जेक्ट यहीं आ रहा है क्योंकि कोमे के बाद में नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट है। मैंने देखा बॉडीज़ का मतलब है शरीरों को, बॉडीज़ को फॉलिंग गिरते हुए फ्रॉम प्लेन, उसने प्लेन से गिरते हुए बॉडियों को देखा। जब आप किसी क्रिया को करते हुए देखते हैं तो आप उसमें एंज लगाते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने तुम वहाँ खड़े हुए देखा, आई सा यू स्टैंडिंग देयर, मैंने तुम इंग्लिश बोलते हुए सुना, आई हर्ड यू स्पीकिंग इंग्लिश, मैंने तुम्हें वहाँ भागते हुए देखा, आई सा यू रनिंग देयर, मतलब मैंने आपको क्या क्रिया करते हुए देखा वहाँ हम लगाते हैं आई एन जी। अब आप ये समझ गए हैं कि यहाँ पर आप आई एन जी लगाते किसी काम को करते हुए जब हम देखते हैं तो। द प्लेन वॉज शेड्यूल्ड टू लीव, अब जब लोग वहाँ भाग रहे थे काबुल के एयरपोर्ट स्टेशन पर, तो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ वो वेट करते हैं कि कब यहाँ से टेक ऑफ करेगा ये प्लेन। तो वो जो प्लेन था वो उसने इंडियन एम्बेसी से बात की, बात करने के बाद जो प्लेन था वो प्लेन अगले दिन के लिए शेड्यूल्ड था, मतलब उसका टाइम टेबल फिक्स था अगले दिन को उड़ने के लिए, उस शहर को छोड़ने के लिए। सेंटेंस है द प्लेन वॉज शेड्यूल्ड, वो उसके साथ में थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब कि वो पहले से ही काम किया हुआ था, मतलब टाइम टेबल फिक्स था उसका, तो वो शेड्यूल्ड था। द प्लेन वॉज शेड्यूल्ड, वो शेड्यूल्ड था, वो टाइम टेबल था टू लीव, वो छोड़ने के लिए द सिटी शहर को द नेक्स्ट डे अगले दिन। जब भी कभी सेंटेंस में नेक्स्ट आता है, फर्स्ट आता है, एंड आता है, लास्ट आता है, उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने कहा कौटिल्य स्ट्रैंडेड इन अफगानिस्तान, कौटिल्य भी एक रेसिडेंट है, ये वहाँ रिपोर्टर है दून का, तो ये बताता है कि मैं भी अफगानिस्तान में कौटिल्य फंस गया था। स्ट्रैंडेड में सेकंड फॉर्म आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद, इसका मतलब है कि सेकंड फॉर्म हो गई। वो कहता है कि कौटिल्य वैसे ना फंस गया था। द पीपल, लोगों से पहले द का प्रयोग है, द पीपल वर क्लिंगिंग टू द प्लेन्स व्हील्स, जो लोग थे क्लिंगिंग मतलब चिपक रहे थे, क्लिंग मतलब चिपक रहे थे, कहाँ चिपक रहे थे कि प्लेन्स के जो व्हील्स होते हैं उन पर चिपक रहे थे कि हम लोगों को प्लेन के साथ साथ यहाँ से टेक ऑफ कर लो, हमको यहाँ से बचा लो, इसलिए लोग क्या कर रहे थे प्लेन्स के पहियों पर ही चिपक रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है वाइल्ड पासिंग, ये सेंटेंस आपके अलग कहा थोड़ा सा, वहाँ की न्यूज़ अलग है। वाइल्ड पासिंग थ्रू सच कॉरिडोर्स, वो कहता है वाइल्ड के बाद में आप लगाते हैं आई एन जी फॉर्म। सच पास थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से, किसी जगह से आप जब गुजरते हैं तो आप लगाते हैं पास थ्रू, किसी गली मोहल्ले से आप, किसी बन से आप गुजरेंगे, किसी जिले शहर से आप गुजरेंगे तो आप लगाते हैं पास थ्रू। इसका मतलब है वाइल का मतलब है किसी काम को करते करते, मतलब मोहल्ले गली से गुजरते गुजरते, तो वो कहता है वाइल पासिंग थ्रू सच कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारे या गली। वो कहता है कि ऐसी गलियों से गुजरते हुए, ऐसी गलियों से गुजरते हुए। स्पीड शुड बी लिमिट, शुड बी फिक्स्ड, जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, और कितनी स्पीड होनी चाहिए 25 किलोमीटर पर आवर्स। ऐसे ही आप गांव में आप देखते हैं कि लड़के गाड़ी बहुत चलाते हैं, तो आप कह सकते हैं इस मोहल्ले से गुजरते हुए गाड़ी लिमिटेड स्पीड में चलाकर, तो आप कह सकते हैं वाइल पासिंग थ्रू दिस मोहल्ला या वाइल पासिंग थ्रू दिस स्ट्रीट राइड द बाइक इन लिमिटेड स्पीड। इस प्रकार से आप क्या क्या आप उसको एडवाइस दे सकते हैं, एक बार और सुनेंगे, वाइल राइडिंग द बाइक या वाइल पासिंग थ्रू दिस मोहल्ला या वाइल पासिंग थ्रू दिस स्ट्रीट राइड द बाइक इन लिमिटेड स्पीड। इस प्रकार से हम वाइल के बाद में आई एन जी का प्रयोग करते हैं किसी काम को करते करते दूसरा काम आपको करना, जैसे मैंने कहा तुम टीवी देखते देखते सो गए, तो वहाँ हम लगाते हैं वाइल वॉचिंग द टीवी यू स्लेप्ट। इस प्रकार से जब आप क्या क्रिया करते हैं उसी के दौरान आपको दूसरी क्रिया करनी होती है, मतलब एक क्रिया क्या कि उस मोहल्ले से गुजरना, दूसरी क्रिया क्या गाड़ी को ध्यान से चलाना, हल्की स्लो स्पीड से चलाना। सो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू आर हियर फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।